भज्जा जयराम जी की। हम आ चुके हैं भेड़ाघाट, नर्मदा नदी पे खड़े हैं। अब भाई आगे चल के दिखा है आप कहाँ भेड़ाघाट के दर्शन करवा है। देखो हम नर्मदा नदी के पुल पे खड़े हैं। ये जयराम जी अपन पहुंच गए भेड़ाघाट नदी के पास खड़े हैं। जहाँ अपनी बस खड़ी, बस में सफर करो और इतने टिकट कटत बस की के जैसे आगे पार्किंग में लगाने आगे भेड़ाघाट में मिली हुई। जे अपने नेता भज्जा बी के 420 की टीम के कठिया मंजन कर रहे ना है। भैया जयराम जी आगे ब्लॉग में फिर मिल रहे हैं सब अपने लोग। ये चले आया सब जने। चलो जयराम जी भैया आगे फैमिली देखिए। हम आ चुके हैं नर्मदा के घाट पर नहाने के लिए। देखो ये नर्मदा वहाँ देखो हम घाट पे आ चुके हैं और दिखा रहा है आप संग। ये सब हमारे संग वाले हैं। देखो ये अपने नेताजी बैठे वीडियो तो हम तो यूट्यूब पे बना रहे। अब चले यार भाई साहब, अब कर लो इतने जने। चलो यार, अब तो ज्यादा जने हो गए। देखो भाई हम घूम रहे हैं नदी में, नाव में बैठे हैं। ये सब जने अपने संग वाले बैठे हैं। देखो नाव जा रही है साइड, नाव में बैठ चुके हैं हम लोग। देखिए भाई नर्मदा कितनी तेज बह रही है। देखिए देखो यहाँ से पानी आ रहा है। देखिए हम आ चुके हैं धुआंधार। देखिए गिर रहा है यहाँ पर पानी, बिल्कुल दूर की तरह दिखाई दे रहा है। जुड़ी हवा चलो आगे चेक देखिए हम लोग आ चुके हैं बस लो, बस के पास आ चुके हैं। ये रखी है हमारी बस। देखिए यहाँ से गेट खुलता है।
अब हम वहाँ निकल रहे हैं जागेश्वर। अब हम वहाँ गाड़ी में देखो जा रहे हैं जागेश्वर निकल रहा है कहाँ। गर्मी लगी बहुत तेज है। ठीक है हमारे आ चुके हैं जागेश्वर। ये मोहाल चल रहा है सब जान सब कुछ है देखो चलो नंदू आपको नाग माता के दर्शन करवा ले। हम और जागेश्वर में आ चुके हैं। देखो दिया जला रहे हैं यहाँ पर। हर हर महादेव देखिए हम उन्हें कह चुके हैं जल चढ़ाने के लिए जागेश्वर में प्रसाद भी चढ़ाएंगे। आ चुके Thank you.